बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों। मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोचर। आप देख रहे हैं सनाउल्लाह एग्रेरियन यूट्यूब चैनल। मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अल्ट्रासोल मैग्नम फ्लेक्स सवात एग्रोकेमिकल का एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी और वो गंदम के लिए या दूसरी फसलात के लिए कितना अहमियत रखती हैं। तो उसके अंदर इसके जो अल्ट्रासोल मैग्नम फ्लेक्स के जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, एक तो इसमें प्रोडक्ट है जिसको हम 13-2-43 कहते हैं और दूसरा इसका प्रोडक्ट है 16-22-23। 13-2-43 का मतलब है कि इसमें जो है एनपीके की जो मकदार है वो 13 केजी जो है इसमें नाइट्रोजन है और 2 केजी इसमें फास्फोरस है 2%, और उसमें जो है 43% जो है पोटाश है। तो ये एक तेजाबी खाद है जो मोस्टली जो है फसलात जब फ्लावरिंग स्टेज में होती हैं, अगर गंदम की बात करें तो जब घोब स्टेज में होती है, घोब बन रही होती है गंदम के अंदर, तो उस दौरान जो है ये अप्लाई किया जाता है और 12.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो है इसको हम अप्लाई करते हैं। इसको स्प्रे हरगिज़ नहीं करते, इसको जो है ब्रॉडकास्ट भी हम नहीं करते, छट्टा मेथड के थ्रू भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसमें जो है फ्लड फर्टिकेशन के थ्रू दिया जाता है। फ्लड के थ्रू जो है हम इसको खाद जो है हम मुहैया कर सकते हैं अपनी फसल को, और इसके साथ साथ जो है ऐसी ज़मीनें जहाँ जो है पानी की कमी है और ड्रिप इरीगेशन के थ्रू जो है फसलात को पानी लगाया जाता है, तो उसमें हम ड्रिप इरीगेशन में जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तेजाबी खाद है, अगर इसको आप स्प्रे करेंगे तो इसका अगर सोल्यूशन की जो पीएच है वो 4 से नीचे गिर जाए तो ये पत्तों को जो है लीफ को जो है बर्निंग काज करती है, स्कॉर्चिंग करती है, पत्ते जो हैं जल जाते हैं। तो इसको फ्लड बिल्कुल नहीं करना, और मोस्टली जो है इसको शुगर केन के लिए, वीट के लिए, मेज़ के लिए, इन फसलात के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, और सैंडी सॉइल में जो है इसको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या करती है, ज़मीन के कलराटेपन को, उसके हार्ड पैन को तोड़ती है, और ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट मौजूद तो हैं लेकिन उनकी दस्तियाबी नहीं है अपनी फसल के लिए, तो ये उनकी दस्तियाबी को बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की जो अपटेक है प्लांट्स की उसको ये मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं मोस्टली जो हैं ये मतलब जो एक मैकेनाइज्ड सिस्टम के थ्रू अपनी फार्मिंग करते हैं, मोस्टली जो है वो ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल करते हैं गंदम की गोब की हालत के अंदर। तो अगर ज़्यादा आप नहीं भी इस्तेमाल कर सकते, 5-8 किलो जो है पर एकड़ के हिसाब से या 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो है आप इस्तेमाल करें तो इससे फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि इसमें अंदर नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम।